हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? सो फाइनली बैक विद अनदर न्यू वीडियो, और थैंक यू सो मच पिछले बार वीडियो में इतना प्यार देने के लिए। और अगर आपको मेरा आवाज़ और थोड़ा फेस थोड़ा अलग लग रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी एक छोटी सी गलती के कारण मेरा आज ये हाल है। मेरी एक्चुअली तबीयत ख़राब, क्योंकि मैं एक दो दिन पहले बारिश से भींग गए थे इसीलिए। सो इस गाने का नाम है पहले जैसी बात नहीं बाय डेनो जेम्स और जसलीन रॉयल। आई थिंक मैं इनका पहली बार सुन रहा हूँ, और ये रिलीज हुआ है कान फोर म्यूजिक क्या नाम है। तो चलो फिलहाल तो इस वीडियो में 4.5 मिलियन व्यूज है, और चलो वीडियो शुरू करते हैं। रॉयल स्टैग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बूम बॉक्स। रहते हम साथ में पर चल नहीं पा रहे, बस निभा रहे, जाना ऐसी मजबूरी है क्या? तेरा मेरा दोष नहीं, हम दो बेचारे हैं दीवारे, पहले वाला नहीं है वो मजा। पहले जैसी बात नहीं, ओ, पहले जैसे साथ नहीं। Amazing. मतलब ये वाला गाना अभी तो स्टार्टिंग ही है अभी, मतलब एक ऐसा फील दे रहा है जैसे फ्लैशबैक टाइप का कुछ फील दे रहा है, और बीजीएम तो वाकई में सही है भाई। मतलब एक जो फील देना चाहिए ना, वो प्रॉपर फील दे रहा है एकदम प्रॉपर। मतलब अगर आपके साथ ये हुआ है तो आप इसे अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर पाओगे आराम से, बट ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है? मैं अपने एक और वीडियो में बोला था ज़्यादा डीप में मत जाना है, तो फिर आप रो दोगे। मतलब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपके बीच में, आप दोनों पार्टनर के बीच में कुछ भी हुआ हो ना, तो उसे इतना भी सीरियस मत लेना, ठीक है? क्योंकि ये लाइफ है और इसमें ये सब चलता रहता है भाई, कॉमन है सबके लाइफ में। और अगर आपके साथ हुआ, और हाँ, थर्ड पर्सन कभी मत इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये अगर आपने इन्वॉल्व कर दिया ना, तो ये थर्ड पर्सन एक कैंसर की तरह होता है भाई, रिलेशनशिप पूरा बर्बाद कर देगा। मतलब ये आपको इस लाइफ में नहीं चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे से बात कर पाओ। मेरे साथ हुआ है, बहुत कोई के साथ हुआ है ये चीज़। कभी मत इन्वॉल्व करना भाई थर्ड पर्सन को, कभी नहीं। बहुत गंदा रिग्रेट होता है। मतलब इमेजिन नहीं कर पाओगे, अगर आप रात को नींद नहीं आ रही है ना, तो आप रो भी दोगे। मतलब बहुत गंदा रिग्रेट फील होता है कि आखिर क्यों, अगर मैं उससे ये बात नहीं करता तो शायद हम दोनों आज साथ होते, ऐसा फील आपको आएगा भाई। मुझे थोड़ा बता दे कैसे रिश्ते संभाले, मुझे थोड़ा बता दे ना, अब कोई बता दे कैसे रिश्ते संभाले, अब कोई बता दे ना, जाने क्यों आपके साथ ऐसा हुआ भी हो, कुछ ऐसे भी होते हैं कि आपकी जो बेस्टी है वो उसकी दोस्त होती है, ऐसा कुछ भी होता है। और
मतलब आपको बहुत गंदा रिग्रेट होता है बाद में, आप उसको बोलते हैं सुनना मेरे को उससे बात करा देना, मैं बस आखिरी बार उससे बात करना चाहता हूँ, और वो पीछे बोलती है कि नहीं तो उससे और बात करें तो चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मतलब और भी ज़्यादा बातें बिगड़ सकती है, इससे बढ़िया कि तू उसे भूल जा और अपने कैरियर पे फोकस दे। यार ऐसा होता है भाई, मैंने देखा है। आपको ये भी फील होगा कि यार काश ये सारी चीज़ें वापस से ठीक हो जाए, वापस से मैं उससे बातें कर सकूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है भाई, बहुत कम का पॉसिबल होता है जिनका लक अच्छा रहता है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है भाई ये चीज़। मैंने ये भी देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मतलब सुसाइड कर लेते हैं ये सब चीज़ें देखकर, मतलब मुझे समझ नहीं आता यार लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है भाई। अगर आपको वो नहीं मिला या नहीं मिली तो क्यों कर रहे हो यार सुसाइड, आपके साथ भी और कोई है जो लाइफ आपके साथ इंजॉय करना चाहता है, लेकिन आप उन्हें मौका नहीं दे पाते और आप सुसाइड कर लेते हो, मैंने ऐसा देखा है यार। ठीक है तो आज की, और हाँ आई थिंक आप लोग मेरी बातों और इस गाने को दोनों को रिलेट कर पा रहे होंगे, यार सबके साथ होता है, तो ज़िंदगी यार बेफिक्र होके जियो, कोई दिक्कत नहीं है। और अड्डा बस यही कहना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना बोला क्योंकि मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं है, फिर भी 5-6 मिनट की वीडियो बना दी वो बहुत बड़ी बात है अभी। और हाँ पिछले कुछ दिन में वीडियो थोड़ी लेट आई तो उसके लिए भी सॉरी, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा तबीयत उतना ठीक नहीं है। तो चलो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और लाइक शेयर तो बिल्कुल करें, ठीक है, क्योंकि वी आर, जैसा मैं आपको बताया था कि हम लोग बहुत जल्द 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।